दिनांक 19 और 20 अप्रैल की रात्रि में लगभग 1:30 बजे के आसपास में जगतपुर गांव है रईका थाना क्षेत्र अंतर्गत, वहीं पे दुर्गा मंदिर के पास नहर पुल है, वहां पे दो ट्रक, एक ट्रक में गेहूं और दूसरे ट्रक में दवाई लदा हुआ था, उस ट्रक से 6 अपराध कर्मी अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा लूट की घटना कारित की गई रात में ही। उसमें लुटेरों ने ई रिक्शा का प्रयोग करके और रोड को घेर दिया और उसके बाद पिस्टल का भय दिखाकर और जो खंती है उसका भय दिखा करके जो ट्रक वाले हैं उससे 25,000 रुपये की लूट और उसके अलावा उसके पास जो सोने का पहना हुआ लॉकेट था उसकी लूट और गेहूं के 15 बोरे जो ट्रक में लदा हुआ था उसकी लूट की गई और उसके अलावा मोबाइल ये सब की भी लूट की गई। इसमें थाना को तुरंत सूचना मिली, उसके बाद थाना अध्यक्ष रईका और उनकी जो पूरी टीम है उसके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए रेड किया गया। घटनास्थल से लीड मिला, उसके बेसिस पर रेड करने पे 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई 2 घंटे के अंदर में, लूट होने के 2 घंटे के अंदर में। और उनके पास से जो प्रयुक्त हुआ है लूट में देसी कट्टा वो बरामद हुआ, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। जो रड यूज किया गया था लूटने में 3 रड को यूज बरामद किया गया है, लूटा हुआ 3 मोबाइल बरामद किया गया है, जो हनुमान जी का लॉकेट सोने का लूटा गया था ड्राइवर से उसकी बरामदगी हुई है, 4500 रुपये की बरामदगी हुई है, गेहूं जो 5 बोरा लूटा गया था उसकी बरामदगी की गई है, ई रिक्शा जो प्रयुक्त किया गया था लूट में उसकी बरामदगी की गई है और अन्य मोबाइल और सारी चीज़ें यूज की गई। तो इसमें जो 3 गिरफ्तारी हुई है उसमें एक रुपेश पासवान है जगतपुर का, एक राहुल कुमार है जिसका पहले से आपराधिक इतिहास रहा है और जस्ट 1 महीना पहले ये राहुल कुमार जेल से बेल पे निकला है, आमसैक में पहले जेल में था, और तीसरा है हिमांशु पासवान, इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये घटना कारित होने के 2 घंटे के अंदर में थाना में त्वरित कार्रवाई करते हुए और लूट का उद्भेदन किया है और इसमें जो सम्मिलित अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। 3 अपराधी अभी बचे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई की।